Hey guys, welcome to my channel. So this is a late night study vlog as a 10th class CBSE grader. तो गाइस यहाँ पे ना मैंने टाइम दिखा दिया आपको, फिर ना यहाँ पे मैंने जल्दी से रिवाइज करना शुरू करा चैप्टर 2 केमिस्ट्री का, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट. कि वैसे तो ना मैं हमेशा नोट्स से ही ज़्यादातर पढ़ती हूँ, बट स्टिल मैंने आज ये से स्टार्ट किया क्योंकि मैं ना हर एक चीज़ को कवर अप करना चाहती थी. क्योंकि गाइस अगर पेपर में कुछ भी आया तो मैं छोड़ू ना. वैसे यहाँ पे मैं एक्टिविटीज़ या इंडेक्स क्वेश्चंस पढ़ रही थी और मुझे यहाँ पे रिएक्शन इंपॉर्टेंट लगी तो मैंने इसको भी लिख लिया दोबारा से. एंड फिर यहाँ पे मैंने डायग्राम करा. और गाइस ऐसे ना मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहती कि मेरा मार्क्स कटे. और यहाँ पे मैं पढ़ते पढ़ते ना मम्मी मेरे लिए भुजिया भी ले आई थी एंड फिर मैंने यहाँ पे भुजिया भी खाई थी. एंड ऐसे ही फिर ये ख़त्म हुआ एंड मैंने स्टार्ट कर दिया मैथ्स चैप्टर 9 सम्स एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. गाइस वैसे ना मैंने पहले भी करा है बट अब मैं जब दोबारा इसको रिवाइज करना चाहती हूँ ना प्री बोर्ड्स के लिए, क्योंकि गाइस मैं आपको पहले ही बता दूँ मेरे 13 से प्री बोर्ड्स है. तो गाइस ये ना मैं कर रही थी ना, तो मुझे आगे जब मैं थोड़ी इसकी हाफ एक्सरसाइज से पहुंची मुझे ऐसे लगा कि मैं बहुत मिस्टेक्स कर रही हूँ, मैं कुछ कुछ चीज़ें छोड़ रही हूँ और ऐसे ही करते करते जो मुझे आता भी है मैं वो भी गलत कर रही हूँ. तो ऐसे करते करते तो मैंने डिसाइड करा नहीं अब मैं दोबारा करूँगी. तो मैं गाइस दोबारा करने बैठी एंड यहाँ पे मैं स्टिल अभी फिर भी बहुत गलतियाँ कर रही थी. जैसे इसी क्वेश्चंस में गाइस ये क्वेश्चन मैंने इतनी बार करा है ना, बट यहाँ पे मैं फिर भी नहीं कर पा रही थी एंड मुझे पीछे से देखना पड़ा कि कैसे करना है. तो ऐसे ही करते करते यहाँ पे मैंने बाकी क्वेश्चंस भी करे. गाइस हाँ मैं आपको बता दूँ कि आपको जो भी पूछना हो, जैसे मेरे सिलेबस कितना हुआ है, कैसे कैसे मैं रिवाइज करूँ, तो आप मुझे एक वीडियो में बता देना, मैं आपको पूरा सब कुछ बता दूँगी. और हाँ वैसे जो जब मेरे डिफ़िकल्ट चैप्टर्स है ना, जैसे एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, सर्कल्स ट्रिग्नोमेट्री, मैंने पहले भी कर लिया बट इसको करते हुए पता नहीं क्यों मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या क्या करना है. और गाइस मुझे एक तो बहुत नींद आ रही थी और क्योंकि गाइस मैं ना आजकल बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ और आज मेरी पिकनिक भी थी तो मैं और ज़्यादा थक गई थी. तो यहाँ पे ना मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करे, सिर्फ मैंने क्वेश्चन नंबर 7 तक करा, बाकी मैंने कल के लिए छोड़ा है क्योंकि गाइस मुझे ना SST की रीडिंग भी करनी थी और चैप्टर वाइज. तो अभी ना मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन करा ना, देखो ये क्वेश्चन भी कर रही थी मैं, मुझे फिर भी दिमाग में चल रहा था. फिर मैंने जैसे जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करा तो मुझे अब आइडिया आना चाहिए दूसरा सब्जेक्ट. तो मैंने गाइस इसके बाद सीधा निकाला है SST का चैप्टर नंबर 1. तो यहाँ पे डू लिस्ट दिखा दी मैंने आपको. तो यहाँ पे ना गाइस मैं मार्क करी थी हाइलाइटर से जो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा था और वैसे ही मैंने थॉरो रीडिंग करी जैसे. और गाइस यहाँ पे थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ चीज़ें थी जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और वो MCQs में ज़रूर आती है, तो इसलिए मैं इसे मिस नहीं करना चाहती थी. तो गाइस ऐसे ही मैंने करी थोरो रीडिंग और अच्छे से सब कुछ पढ़ती गई. क्योंकि गाइस मैं हमेशा होता है ना, मैं हमेशा नोट्स से पढ़ती हूँ और मैं बुक के पार्ट छोड़ देती हूँ, बट इस बार मैंने नहीं ऐसा नहीं करा. और क्योंकि अभी मेरे प्री बोर्ड शुरू होने वाले जैसे बताया, तो इसलिए मैं अच्छे से प्रिपेयर होना चाहती थी. और ऐसे करते करते मैंने पिक्चर्स पढ़ी पर अब गाइस मैं बहुत ज़्यादा थक गई. तो गाइस विल सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग. देन बाय बाय.